करना है, सवेरे एनिमा हो गया, रात शाम का हो गया, यह आपको समझ में आ गया। सवेरे उठने के बाद कम से कम 12 बजे तक आपको निर्जल उपवास करना है, बिल्कुल पानी भी नहीं पीना। आप लोग ये बात पे बहुत डर जाते हो, क्योंकि दुनिया जो है ना ये उल्टी चल रही है, सब लोग जो कहेंगे वो सच मानते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक भी पशु को आपने सवेरे उठ के 10 बाल्टी पानी पी के टॉयलेट जाते हुए देखा है? और हमारे में कितने लोग हैं, मैं तो कहता हूं या 60% से ज्यादा लोग बैठे होंगे जो उठने के बाद पानी पीते हैं। अगर कोई किसी की अगर खेती होगी तो उनको पूछो, आप बिना कारण या खेती को ज्यादा पानी दोगे तो क्या होगा? वो निस्तेज हो जाएगी, वो अनाज मर जाएगा, उसमें टेस्ट नहीं आएगी। तो यहां क्यों पानी ज्यादा दे रहे हो? अरे जब तक अंदर का भगवान पानी नहीं मांग रहा है तो क्यों दे रहे हैं आप? पहली गलती ये है आपकी। मानस में कहा है, बहु रोग वियोगन्नी लोग है बहु दंगदरी निरादर के फल है। भगवान का निरादर मतलब क्या? अनादर। भगवान मांग नहीं रहा है यार, आप दे रहे। भगवान मांगता है वो तो हम दे नहीं रहे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदेव भक्तु प्रश्नम अष्टामी प्रयतात्मना। ये मुझे चाहिए ये तो हम दे नहीं रहे, और दे क्या रहे? बिना कारण पानी। आपको लगता है पानी से पेट साफ होता है? अगर आपको लगता है तो आप प्रयोग कीजिए। मैं कहता हूं मेरी मत सुनिए, मैं कौन होता हूं आपको समझाने वाला, आप खुद की तो सुनिए। आप बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान मत दिए, पर करके देखिए। दशा बदल नहीं रही है तो दिशा बदलिए, परिस्थिति बदल नहीं रही है तो रास्ता बदल के तो देखिए। क्यों हमारे प्रॉब्लम जा नहीं रहे? अभी आगे रास्ता मिल गया है तो करके देखिए। मैं इतना ही कहता हूं लोगों को, आप इन्वॉल्व मत होजिए, इन्वॉल्व ना हो। जो पानी की बॉटल रहती ना उसमें अगर आप पत्थर डालोगे ना तो केवल इन्वॉल्व रहेगा, वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा। पर उसमें अगर आप नमक डालोगे वो डिसॉल्व हो जाएगा। ये साधना करते वक्त आप इन्वॉल्व ना, आप डिसॉल्व हो जाइए तभी आपको फायदा होगा। डिसॉल्व हो जाइए, शंका कुशंका ये कब करो? 15 दिन के बाद करो। मैं कहता हूं आप शुरू करो, फिर देखिए 15 दिन में बदल क्या हो जाता है। तीसरे दिन के बाद रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। अरे जहां सफाई रहती वहां हम भी खुश हो जाते हैं, तो अंदर की सफाई होने लगेगी तो भगवान खुश नहीं होगा? और जब भगवान खुश हो जाएगा तो यह चेहरे पे मुस्कान नहीं खिलेगी? 100% खिलती है। इसीलिए यह शरीर शुद्धि है। तो उपवास करो, पानी मत पियो। क्यों पीते हो? ठीक है आपको पीना है, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर हम भगवान मानते हैं, कोई बात नहीं। पर 15 दिन के लिए करके तो देखो, अगर फायदा नहीं हुआ तो एक नहीं 2 लीटर पीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं। तो फायदा होता कि नहीं ये तो देखिए। क्यों पानी पी रहे हैं हम जबरदस्ती? सवेरे उठने के बाद आप 12 बजे तक निर्जल उपवास कीजिए। हम अपने घर में भी खुद को स्नान कराते हैं, घर को झाड़ू पोछा मारते हैं, बर्तन वगैरह सब सफाई करते हैं, सब सफाई के लिए टाइम देते, और अंदरूनी सफाई इसका टाइम चालू है तो उसको खा पी लेते हैं। हमें लगता है भोजन करने से शक्ति मिलेगी। मुझे एक बात बताओ, जब मैं उपवास बोलता हूं तो लोग डर जाते हैं कि हम तो खाएंगे नहीं तो चक्कर आ जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, और कुछ हो गया तो। अरे करो, ये एसिड निकलेगा एनिमा से तो आपको कुछ नहीं होगा।